भारत की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का हाजीपीर सेक्टर पर भरपूर जवाब। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के सूबेदार समेत तीन अहलकार हलाक, मुतअद्दिद भारतीय फौजी जख्मी, चेक पोस्ट तबाह। DGISPR के मुताबिक पाक फौज के दो जवान नायब सूबेदार कंडेरो सिपाही एहसान शहीद हो गए। राणा सनाउल्ला की दरख्वास्त जमानत का तहरीरी फैसला जारी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने तहरीरी फैसला जारी किया। राणा सनाउल्ला के शरीक मुलजमान की ट्रायल कोर्ट जमानत ले चुकी। राणा सनाउल्ला पर 15 किलो हीरोइन का मुकदमा बनाया गया, लेकिन जिस्मानी रिमांड लिया ही नहीं गया। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड न लेना इल्जाम को साबित नहीं करता, मुलजिम हुकूमत का नाकिद रहा, मुलजिम जमानत का हकदार है। LNG केस, मिफ्ता इस्माइल के जमानती मचल के आज जमा कराए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूरी का मुख्तसर हुक्म जारी कर दिया। 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा होने पर रोपकार जारी होगी। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण का नजारा देखा गया। आज लगने वाला सूरज ग्रहण 1999 के बाद पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण था। लाहौर समेत कई शहरों में नमाज कसूफ भी अदा की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, गुजरांवाला, गुजरात, शेखपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल समेत दीगर शहरों में रास्ते धुंधला गए। कई जगहों पर हद निगाह चंद मीटर रह गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, मोटरवे भी कई मकामात पर बंद रही। बल्तिस्तान रीजन में खून जमा देने वाली सर्दी, यखपस्ता हवाएं, स्कर्दू में दर्जा हरारत -16 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में पारा -25 तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी का 100 साल रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई कर दी। शहीद जमहूरियत और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की कल 12वीं बरसी, 27 दिसंबर 2007 को लियाकतबाग में शहीद किया गया। कल पीपल्स पार्टी लियाकतबाग में बड़ा जलसा करेगी। निम्रता कुमारी की हलाकत कैसे हुई, ये राज कोई ना जान पाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने न लाने का फैसला। रिपोर्ट में पुलिस की नाअहली का भी इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने अवामी रद्द अमल से बचने के लिए रिपोर्ट दबा ली।